शक हमेशा शक ही होता है जो रिश्तों की मजबूत से मजबूत दीवार में दरार डालता है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। हाय रानिया, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली, मैं तुम्हें कॉल ही करने वाली थी। क्यों, खैरियत तो है? एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने को जी चाह रहा था। किस बात का शुक्रिया? इतनी मासूम हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं। रानिया, क्या हो गया तुम्हारी समझ को आज? हाँ, तुम वो बातें ही ऐसी कर रही हो। सीधी बात है रानिया, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे मेरे आइडियल से जो मिलवा दिया। यार, आई एम वंडरफुल पर्सन रानिया। इस तंज का मतलब? अरे नहीं नहीं यार, मैं बिल्कुल टॉन्ट नहीं कर रही हूँ। शाजिल वाकई बहुत अच्छा इंसान है। लगता है आज फिर तुम्हारी मुलाकात हुई है। बिल्कुल हुई है आज मुलाकात। ऐसी क्या बातें हुई हैं कि आज तुम इस कदर खुश हो? औरत की फितरत के मुताबिक मुझे शक था कि शाजिल किसी और को पसंद करता है। तो यू नो व्हाट, मुझे शाजिल ने क्लियर किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम मुतमईन हुई हो ना? हाँ, शाजिल ने मुझे बताया कि जिंदगी ने उसे मौका ही नहीं दिया कि वो किसी को प्यार भरी नजर से देख सके। शुक्र है तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हुई। बाकी बातें मुलाकात पर। खुदा हाफिज। नताशा मुझ पर अभी से शक करने लगी। ये तो अच्छी बात है। शक तो औरत की घुट्टी में होता है और शक करना उसका हक है। शक तो धीमक की तरह रिश्तों को खा जाता है। ये अपना अपना ख्याल है। मेरे ख्याल में तो जो औरत अपने शौहर पे शक नहीं करती, उसे अपने शौहर से कोई दिलचस्पी नहीं होती। क्या वाकई अम्मी, या आप सिर्फ शाजिल का दिल बहला दी? शाजिल बच्चा नहीं है, बैरिस्टर है, और इसे लफ्जों से बहलाया नहीं जा सकता। ये तो खुद लफ्जों से खेलता है। रानिया ने तो कभी मुझ पर शक नहीं किया। ये तुम बार बार रानिया को क्यों बीच में ले आते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि इन दोनों की शादी हो जाए? मेरे ख्याल से नताशा इसके लिए आइडियल बीवी साबित होगी। रानिया बता रही थी कि नताशा तुमसे मोहब्बत करने लगी है, और बेटा जिससे मोहब्बत हो जाए उसकी केयर भी की जाती है, और केयर को शक का नाम देकर रिश्तों से इनकार नहीं किया जा सकता। नताशा अच्छी लड़की है, मगर वो मेरे माजी को खुरेदने की कोशिश कर रही है। ओह, अब बात मेरी समझ में आई। तुम नताशा से नहीं, अपने माजी से पर्दा उड़ जाने पर खौफजदा हो। देखो बेटा, तुम माजी को ख्वाब समझकर भूल जाओ, वरना जहां खड़े हो वहीं रुके रहोगे। अम्मी ठीक कह रही शाजिल, जब तुम अपना गुजरा वक्त भूल जाओगे तो दोबारा वो वक्त कोई भी तुम्हें याद कराने की कोशिश नहीं करेगा। खाना लगवा दूं? हाँ ले आओ। ये कहां भूलने देगी मुझे मेरा मासूम। आप बार बार इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? कुछ कहना चाहते हैं? तुमने मुझ पर कभी शक नहीं किया। शक? ओह, आप रात के इस सवाल में उलझे हुए हैं। अम्मी कहती हैं जो प्यार करता है वो शक भी करता है। शाजिल को समझाने के लिए कहा होगा, मगर समझ तो मैं गया। क्या? अम्मी ठीक कहती हैं, तुम्हें मुझ पर शक करना चाहिए। क्यों नहीं करती, या फिर प्यार नहीं करती? शक तो आपने भी कभी मुझ पर नहीं किया, तो क्या आप भी मुझसे प्यार नहीं करते? करता,
लेकिन बीवी पर शक करना गुनाह समझता। ये मेरा बेटा है, मेरी पसंद की हुई बहू पर शक करने का गुनाह कैसे कर सकता है? भला मैं आपके बेटे पर शक कैसे कर सकती हूँ? ओ भाई शॉपिंग शुरू करो, शादी में दिन ही कितने रह गए। और हाँ, शाहजद को कहना कि वो तुम्हें कंपनी दे, मैं आजकल बहुत मसरूफ हूँ। और हाँ, वैसे भी शॉपिंग उन दोनों की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बेटा तुम ऐसा करो कि नताशा को बुला लो। जी अम्मी। ओके भाई, अम्मी भाभी आई एम लीविंग। अब दोबारा तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। आई विल ट्राई। और मैं अपनी बहू के मामले में बहुत कॉन्शियस हूँ, मेरी रानिया और नताशा से कम की बहू तो मैं बिल्कुल भी कबूल नहीं करूंगी। अरे अम्मी आप फिक्र ही ना करें, इन दोनों से बेहतर होगी। अरे नहीं, मैं सर मजाक कर रहा हूँ, आपसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ओके खुदा हाफिज, चलिए। I'm so sorry, Riya. मैं आज फिर से लेट हो गया। कोई बात नहीं हमजा, मैं भी तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम नहीं आए तो मैं चल पड़ी। उफ, एक तो ये नाइट ड्यूटी भी ना, आदत दिन खा जाती है। जंगीर खान ने आपके खिलाफ दरख्वास्त दी है। मेरे खिलाफ? मगर क्यों? आपने जबरदस्ती उसके दरख्त कटवाए हैं। अच्छा, तो तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो? ऊपर से प्रेशर है लाला जी, इसलिए आपको बताने आया हूं। कबल उस गिरफ्तारी जमानत करवा लें, वरना आपके खिलाफ मुझे FIR काटना पड़ेगा। किस बात की FIR? कोई सबूत है तुम्हारे पास? जंगीर खान के पास सबूत हैं लाला जी। क्या सबूत है उसके पास? वीडियो बनाई है उन्होंने जिसमें आपके बंदे दरख्त काट रहे हैं। यार बात समझने की कोशिश करो शाहजन, जब मर्द अपनी बीवी या मंगेतर में दिलचस्पी ना ले या उसे अहमियत ना दे तो वो शक तो करेगी ना। और कितनी अहमियत दूं नताशा को, उससे शादी तो कर रहा हूं। और मुझसे सीखो, हर वक्त रानिया के सदकेवारी होता रहता हूं। तुम्हें रानिया से मोहब्बत है? और यार तुम्हें भी हो जाएगी, कोशिश तो करो। कोशिश करने से मोहब्बत कहाँ होती है सलमान? मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज है और सच पूछो तो मर्द को होती ही नहीं है। जानते हो तुम क्या कह रहे? ठीक कह रहा हूं मैं, इंसान को दूसरे इंसान की आदत हो जाती है, जिसे मोहब्बत समझा जाता है। अब तुम भी खुद को नताशा की आदत डाल लो। यार तुम रानिया से मोहब्बत नहीं करते? क्यों, तुमने FIR कटवानी? क्यों बाल की खाल उतारने बैठ जाते हो? जाओ, रानिया तुम्हारा वेट कर रही है। मेरा वेट? क्यों? तुम्हारे हर क्यों का जवाब देना जरूरी नहीं है, जाओ। पुलिस की मदद कमजोर लोग लिया करते हैं जहांगीर खान, पढ़े लिखे और समझदार लोग भी ऐसा ही करते हैं। मैं तुम्हारी मक्कारी अच्छी तरह समझता हूं,
तुमने क्या समझना है? एक गेम होती है शतरंज, नाम तो सुना होगा, यकीनन कभी खेली नहीं होगी। इतने चालाक मत बनो कि किसी दिन अपनी चालाकी के जाल में फंस जाओ। बस तो तुम चुके हो तैमूर खान, जेल जाने की तैयारी करो, ठोस सबूत है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ। जाली वीडियो कोई सबूत नहीं होता। वीडियो जाली है या असली, इसका फैसला तुम नहीं करोगे। हाँ अलबत्ता इस वीडियो की वजह से तुम जेल जरूर जाओगे, और जब तुम हथकड़ियां पहनकर जेल जाओगे, मौत से ज्यादा अजियतनाक मंजर होगा तुम्हारे लिए। जो अजियत अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा जहांगीर खान। जल जल जब मेरा इंतजार करना था तब नहीं किया, अब क्यों कर रही हो? तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी? सलमान ने। सलमान भी कमाल करते हैं। कमाल ही तो किया है उसने। वैसे लग बहुत खूबसूरत रही हो। मैंने तुमसे पूछा है? जरूरी नहीं कि किसी के पूछने पर ही बताया जाए कि वो खूबसूरत लग रहा है। और ये भी जरूरी नहीं कि दोस्त की बीवी को उस नजर से देखा जाए कि वो खूबसूरत नजर आने लगे। अम्मी भी पता नहीं कहां रह गई है। अम्मी जल्दी आ जाएं, देर हो रही है। हाँ बेटा चले। अरे बेटा तुम लोग जाओ ना, और हाँ वो नताशा को भी बुला लेना। बेटा मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं कि तुम लोगों के साथ चल सकूं, तुम लोग जाओ। अम्मी आप चले ना प्लीज, आप गाड़ी में बैठी रहना। अरे बेटा गाड़ी में बैठना है तो यहीं पे मैं ठीक हूँ, और वैसे भी ना मेरी नमाज कजा हो जाएगी, जाओ तुम लोग। जैसे आपकी मर्जी। वैसे आप साथ चलती तो अच्छा था। बेटा दिल तो मेरा भी कर रहा है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही, तुम लोग जाओ ना। जी चलो। कहाँ गायब हो गए थे? मैं लाहौर गया था, असद भी लाहौरी होता है। मैं अगर उसे पहचान जाता तो आज वो मनो मट्टी के नीचे होता। फिर वही अगर मगर, झूठे दावे। रिया मेरी बात तो सुनो। बातें तो सुन रही हूँ। सबूत लाने का कह के जाने वाले वापसी पर अगर मगर की बातें नहीं करते। रिया रिया मेरी बात सुनो। तुम भी पसंद करो।
सब कुछ मैंने ही पसंद करना है। पसंद ना पसंद तो तुम्हारी होनी चाहिए। मेरी पसंद? अगर दुल्हन मेरे पसंद की होती तो उसके लिए चीजें भी मैं खुद खरीदता। जो मिल जाए उसे ही अपनी पसंद बना लेना चाहिए। इसी तरह जिंदगी आसान हो सकती है। कोशिश तो कर रहा हूं तुम्हारी पसंद को अपनी पसंद बनाने की। अब दुल्हन तुम ही ने पसंद की है तो चीजें भी तुम पसंद करो। हर बात में अपनी वकालत ले आती। रानिया और शाजिल, इसका मतलब है रानिया और शाजिल ने शादी कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। सुबह से कहाँ गायब थे? आपने कहा था ना लाला जी, उस लड़की का पता करना जो आपकी गाड़ी के साथ टकराई थी। उसका तुमने बताया था कि वो किसी अस्पताल में नर्स है। मैं उसका पता ठिकाना मालूम करने गया था, लेकिन लेकिन क्या? जब वो हॉस्पिटल से निकली तो उसे एक लड़का अपनी बाइक पे बिठा कर ले गया था। पीछा किया था? लड़के ने उसे फ्लैट के बाहर उतारा और खुद चला गया। और वो लड़की जिस फ्लैट पे रहती है, मैं वो देख आया। असद भी लाहौरी होता है, मैंने देखा था उसे। मुझे पता था तुम यहीं होगी। तुम्हारे घर गया, लौटता, इसीलिए यहां चला आया। इतनी कुर्बानी ना दिया करो हमजा, वरना दुनिया पूरे का पूरा कुर्बान कर देती है। सैफ आ गया। तो तुमने कई बार उसका पूछा, मैंने आज उसे देखा तो तुम्हें बताने चला आया। एक तो तुम्हारा बिल्कुल नहीं पता चलता रिया, किस बात पर तुम खुश होती हो, किस बात पर नाराज। खुश होना तो मैंने छोड़ दिया, और नाराज उस बात पर होती हूं जब कोई अच्छा भला इंसान अचानक मर्द बनने की कोशिश करे। इसमें मर्द बनने का क्या ताल्लुक है? तो सैफ के आने ना आने से मेरा क्या ताल्लुक? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सब मुझे अम्मी कहते हैं। आंटी कहलवाना और सास बनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सॉरी, गलती होगी, आइंदा नहीं होगी। बैठो। खुशकिस्मत वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उसे दोबारा दोहराता नहीं। जी बिल्कुल। रानिया कहाँ है? यही सवाल तो मैं तुमसे करने लगी थी। मुझे क्या खबर आंटी, मेरा मतलब अम्मी। वो दोनों तो शादी की शॉपिंग के लिए गए थे, कह रहे थे कि तुम्हें भी बुलवा लेंगे। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया था उन्होंने। अरे निताशा, तुम? हाय, अस्सलाम वालेकुम। पकड़ी गई ना तुम दोनों की चोरी। थोड़ा सा प्यार।